हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स कलर का रिव्यू और कैसे आप अपने बालों को कलर कर सकते हैं घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि इस कलर को हमें कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, इस वक्त आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये पैकेट, ये क्यूट सा पैकेट देख रहे हो आप। और मेरा जो शेड नंबर है वो है 4.0 नेचुरल ब्राउन। इसमें सभी चीजें आपको मेंशन की हुई हैं कि इसमें क्या क्या नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया हुआ है। और गाइज, अगर आप इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज एक बार इसे इस्तेमाल करने से पहले जो चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं तो ये एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसे रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे ओपन कर दिखाती हूँ कि हमें इसे कैसे यूज करना है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप इस कलर को पहली बार लगा रहे हैं या जब भी अपने बालों को आप कलर करते हैं, कोई भी कलर यूज करते हैं, कोई भी हेयर कलर यूज करते हैं, तो अपने बालों में कोई भी किसी भी तरह का ऑयल वगैरह ना लगाएं, क्योंकि अपने बालों में ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए वरना ये अच्छे से कलर आपके बालों को नहीं करेगा। तो इसलिए ये श्योर कर लीजिए कि आपके बालों में कोई भी ऑयल वगैरह ना लगाओ और ना ही कोई हेयर सीरम वगैरह या कोई भी हेयर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपके बालों में ना लगाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक और बात मैं आपको बता देती हूँ शेड्स की, कि अगर आप अपने पसंद के अकॉर्डिंगली कोई और शेड चूज करना चाहते हैं, लाइक अगर आप रेड कलर या बरगंडी कलर लेना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी शेड चूज कर सकते हो। सेकेंड, एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है या अगर आप इस कलर को पहली बार लगा रहे हैं तो एक बार इस कलर का पैच टेस्ट कर जरूर देखेगा कि कहीं आपकी स्किन को कोई इस कलर से एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही है। तो आप क्या करें उसके लिए, थोड़ा सा कलर मिक्स कर लीजिए और एक ईयरबड की हेल्प से यानी क्यूटिप की हेल्प से अपने ईयर के पीछे, यहां पर कान के पीछे स्किन पर लगाकर देख लीजिएगा कि आपको 24 आवर्स तक कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर आपको इससे कोई एलर्जी होती है, किस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप इस कलर को यूज ना करें। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि आपको ये बहुत ज्यादा एफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाता है। मुझे ये 30 रुपीज के प्राइस में मिल गया था और ये आपको नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहां पर मैं इस सेशन को अभी ओपन कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो इसमें आपको मिलता है गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स एंड रिच क्रीम कलर कलरेंट। एक आपको इसमें मिलता है डेवलपर। तो ये दोनों चीजें इसमें आपको दी गई हैं और इसमें आपको एक पेपर भी दिया गया है जिसके ऊपर सभी चीजें मेंशन की हुई हैं। तो जब भी आप इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं या वैसे भी यूज करते हैं घर पर अगर कभी, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है पढ़ना। और ये देखिए, तो चलिए मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो यहां पर मैं ले रही हूँ एक प्लास्टिक बाउल। आप चाहे तो कोई भी बाउल ले सकते हैं, वैसे आप कांच का बाउल भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त कांच का बाउल नहीं है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी डेवलपर। तो इसे अच्छे से मैं इसमें डाल लूंगी और ये लगभग सारा पाउच ही मेरे बालों में लगने वाला है। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाल लिया अच्छे से बाउल में। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये कलर और ये जेल में है। ये देखिए, ये जेल ही है एक तरह से। कलर आपको इसमें ब्राउन दिख रहा होगा तो यही कलर है जो एक्चुअल अपना कमाल दिखाने वाला है मेरे बालों में। तो इसमें अच्छे से इसमें डाल लूंगी। खुशबू की बात करूं ना गाइस, बहुत अच्छी खुशबू है यार, बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे अपने बालों में अप्लाई करूंगी। एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जब भी आप अपने बालों में अगर कलर अप्लाई कर रहे हैं ना इस तरीके से, तो अपने हाथों में ग्लव्स जरूर पहन लें। मेरे पास इस वक्त ग्लव्स नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही डायरेक्ट अप्लाई करूंगी। और अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ग्लव्स पहनकर इसे लगाएं ताकि आपके जो हाथ है वो खराब ना हो। तो चलिए, अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैं इसे अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ गाइज। और हाँ, मैं अपने बालों में पहले अच्छे से कॉम करूंगी, अच्छे से बालों को सुलझा लूंगी और फिर मैं इस कलर को अप्लाई करूंगी। तो यहां पर मैं सबसे पहले वैसलीन अप्लाई कर रही हूं ताकि जो भी मेरे फेस वगैरह पर अगर कलर लग भी जाए तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए और इजीली रिमूव हो जाए। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसे अपने फोरहेड पर लगा लूंगी, अपने ईयर्स पर लगा लूंगी। और वैसलीन हैक्स में भी मैंने आपको बताया था गाइस कि आपने इस तरीके से कलर लगाने से पहले अपने
अच्छे से लगा लीजिए कलर लगाने से पहले वैसलीन को, क्योंकि अक्सर यहां ना आसपास कलर लगने का बहुत चांस रहते हैं। और हाँ फ्रेंड, मैंने जो सिंदूर वगैरह लगाया हुआ था तो ये देखिए मैंने ये भी रिमूव कर दिया है। आप भी जरूर सिंदूर वगैरह अगर आपने लगाया तो वो हटा लीजिएगा, उसे पहले रिमूव कर लीजिए। तो ये आप देख सकते हो गाइज, मैंने साइड पर अभी जो बाल किए हुए हैं ना, तो यहां पर मुझे ये फ्लिक्स भी अपने जो है थोड़े से बाल कलर करने हैं, तो मैं इसे भी कलर कर लेती हूं। तो मैंने अच्छे से कॉम कर लिया है और मैं इसे इस ब्रश की हेल्प से अप्लाई करने वाली हूं कुछ इस तरह से। वैसे तो मेरे व्हाइट बाल नहीं है, क्योंकि जिनको व्हाइट बाल या ग्रे बाल होते हैं तो वो भी कलर कर लेते हैं, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो मैं इसे यहां पर लगा रही हूं इस तरीके से, और थोड़े थोड़े बालों को लेकर मैं लगा लूंगी। और मैं बिल्कुल स्कैल्प से नहीं लगा रही हूं, आप देख सकते हो थोड़े गैप में लगा रही हूं। तो मैं इसे हाथों की हेल्प से ही अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। तो एक साइड पर तो मैंने कलर लगा लिया था और मैंने बन बना लिया है। और मुझे इस बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने पहले ही लगा लिया था, तो मैं इन बालों को पीछे कर लेती हूं। अगर आपको ब्रश की हेल्प से इजी लगता है लगाना तो आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप अपनी फिंगर का भी यूज कर सकते हो जैसे मैं यहां पर कर रही हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा इजी लग रहा है इस तरीके से लगाते हुए। इसे भी मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूं बालों को, फिर मैं बन बना लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से कलर को लगा लिया है, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर लग गया है तो आप इमीडिएट उसे कॉटन की हेल्प से साफ कर लीजिए। और आपने इस कलर को सिर्फ 15 या 20 मिनट तक लगाकर रखना है। इसके ऊपर इतना ही मेंशन किया हुआ है, मैं अभी इसे सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगाकर रखूंगी और अपने बालों को वॉश कर लूंगी। आपने इस कलर को बच्चों को नहीं यूज करना है, बच्चों को नहीं लगाना है, तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे वॉश करने के बाद थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। और आपने इसे लगाने के बाद शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपने नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश करना है। सो हे फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है। मैंने नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश किया था और कलर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा नेचुरल ब्राउन कलर आया है बालों का। और मैं आपको यहाँ पर धूप में भी दिखा रही हूँ इसीलिए, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो आपको ही कलर अच्छा लगा हो तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है इसे यूज़ करना। सो यही था यस मेरा आज का वीडियो। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने आपको धूप में भी दिखा दिया है कि कितना अच्छा कलर आया है मेरे बालों में। तो यही नेचुरल कलर आप भी ट्राई कर सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है। ये नेचुरल ब्राउन कलर है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है, आप इजीली अपने घर पर भी इसे कर सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।